हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टू कंपोनेंट सिस्टम। अब देखिए, आपको पहली बात तो ये पता होने चाहिए कि दो कंपोनेंट क्या है। मतलब आपको कंपोनेंट आपने पढ़ लिया हो तब आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक ए कोई चीज़ होगी और प्लस में क्या होगा बच्चों, कोई बी कंपोनेंट होगा। ठीक है, जैसे आपके पास भाई मान लीजिए यहाँ पे आपके पास सिल्वर है, एक एजी होगा और एक हो सकता है आपके पास लेड हो, है ना? तो ऐसे क्या है भाई, दो कंपोनेंट सिस्टम बनेंगे। आपके पास दो कोई कंपोनेंट होने चाहिए। अब इसी में तब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे रिड्यूस्ड फेज रूल लगता है। ये मैंने जो आपको पढ़ा दिया पहले, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस में वन। यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये है रिड्यूस्ड फेज। अब आप दो चीज़ों को, अगर आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं बच्चों, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, ठीक है, दो कंपोनेंट को आप मिला रहे हैं, तो इनको मिलाने के बाद आपको एक टर्म मिलती है। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उसको यू टेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यू टेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी है कि यू टेक्टिक का मतलब क्या होता है। देखो, तब आप दो चीज़ों को मिलाएं, मतलब ए और बी आपने मिलाया, वो केमिकली कंबाइन ना हो। क्या ना हो बच्चों? केमिकली कंबाइन ना हो। और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, मान लीजिए आप ए का मेल्टिंग पॉइंट कहें कि इसका है 70 डिग्री, ठीक है, और बी का आप कह रहे हैं कि इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन दो का क्या है ये बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट है। तो जो आपके पास मिक्सचर आएगा, ए बी का जो मिक्सचर आएगा, ए का मैंने बताया 70 है, बी का क्या बताया 100 है, तो जो अपने पास जो मिक्सचर आने वाला है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों, वो इनसे कम होगा। मतलब कि वो होगा 70 से तो कम होगा, चाहे वो 68 हो, चाहे वो 60 हो, कितना भी हो सकता है, पर जिस जो दो कंपाउंड हमने लिए हैं, जो दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, उनमें से जो मेल्टिंग पॉइंट जिसका कम होगा, उससे भी कम मेल्टिंग पॉइंट यू टेक्टिक मिक्सचर का होगा। बात समझ गए? ठीक है, उससे कम। और क्या बच्चों, जैसे ही आप इनको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक इनकी कोई कंपोजिशन होगी, कोई कंसंट्रेशन होगी, जिस पे ये दोनों क्या हैं, एक साथ सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखो बच्चों, आप ए को अलग से सॉलिडिफाई करते तो हो सकता है भाई ये अलग से किसी टेम्परेचर पे सॉलिड होता, मतलब इसकी कूलिंग होती, और बी को करते तो अलग टेम्परेचर पे होती, पर जैसे ही आप इनको मिक्स कर देते हैं तो किसी एक कंसंट्रेशन पे एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे इनका जो सॉलिडिफिकेशन, जो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिडिफाई होंगे, वो सेम होता है। ऐसा अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यू टेक्टिक मिक्सचर, जिसमें हम टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने टू कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम बना रखा है, जिसमें हमने क्या लिया है कि इस साइड प्योर हमने माना है ए कंपोनेंट को, और इस साइड हमने माना है बच्चों प्योर बी कंपोनेंट को। और ये जो डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है बच्चों, कंपोजिशन क्या है, यहाँ क्या ली गई है, कंपोजिशन। तो इसके बीच में हमने ये डायग्राम बनाया है। तो इधर मैंने क्या बोला, प्योर ए है, और इधर क्या है, प्योर बी है। अगर आप इस साइड मूव करते जाएंगे, मतलब अगर इस साइड आप जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ रही है, और अगर आप इस साइड मूव करने वाले हैं तो जो कंसंट्रेशन बी की है वो इंक्रीज होती जा रही है। समझ गए हैं? अब देखिए, ये जो मैंने बोला कि ये कूलिंग कर्व से ही ये सारा जो डायग्राम है वो बनता है, कि कब ये सॉलिडिफाई होगा, कब क्या होगा। हमने इन सबको एक पॉइंट दिया है बच्चों, इसको मैंने ए पॉइंट बोला है, इसको मैंने ओ पॉइंट लिखा है, और ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। इन सबको नाम दिया है। इस लाइन के नीचे क्या है, सब कुछ सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और नीचे कम टेम्परेचर होगा, तो सारी चीज़ें किस में हैं, सॉलिड हैं बच्चों, सॉलिड। ए भी सॉलिड है और बी भी क्या है, सॉलिड है, दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं। और ऊपर जो ये आपका सारा एरिया, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो सारा का सारा जो ऐसी शेप आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली जो शेप ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है, ये सारा क्या है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है। इसमें ए भी लिक्विड फॉर्म में है और ऊपर बी भी लिक्विड फॉर्म में है। इतनी बात समझ में आ गई है, इस सारे एरिया में क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब देखो, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे इस एरिया के अंडर में, मतलब जो आपके पास एरिया कौन सा आएगा, ए ओ सी, ये जो इसके अंदर जो एरिया है, इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, सॉलिड। कौन प्रेजेंट है? सॉलिड प्रेजेंट है बच्चों इसमें,
कौन ए, सॉलिड एक तो क्या प्रेजेंट है, सॉलिड ए प्रेजेंट है प्लस में लिक्विड, सॉलिड बी है, सॉलिड क्या है ए है और प्लस में क्या है बच्चों लिक्विड है, क्या है लिक्विड, लिक्विड कौन कौन से हैं, लिक्विड ए भी मिलेगा और प्लस में आपको लिक्विड बी भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि देखिए अगर आप बात करें बच्चों कहाँ पे जो एरिया है बी ओ डी इसमें कौन प्रेजेंट है, सॉलिड बी प्रेजेंट है, इसमें कौन मिलेगा सॉलिड बी आपको मिलेगा, प्लस में आपको कौन मिलेगा बच्चों लिक्विड ए बी और लिक्विड बी बी दोनों मिलेंगे। ऊपर सिर्फ क्या है लिक्विड है, इस एरिया में आपको सॉलिड मिलेगा क्योंकि ये बी का एरिया है तो सॉलिड बी ज़्यादा मिलेगा आपको और इधर सॉलिड ए मिलेगा और लिक्विड दोनों मिलेंगे, बात समझ गए ना आप। और देखिए अगर आप बात करें ये जो कर्व है, ठीक है ये जो कर्व है तो यहाँ पे लिक्विड और जो सॉलिड है बी, मतलब ऊपर क्या है बच्चों लिक्विड है, लिक्विड ए और बी है, लिक्विड ए बी है और यहाँ पे क्या है सॉलिड बी, ये आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं इस कर्व पे। और यहाँ पे कौन इक्विलिब्रियम में है, ये सारा लिक्विड और प्लस में सॉलिड ए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है इस कर्व के ऊपर। और ये जो ओ पॉइंट है बच्चों यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, जो यू टेक्टिक पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं यू टेक्टिक पॉइंट। अब देखो यहाँ क्या है बच्चों कंपोजिशन और इधर ये क्या है इसका टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर पे और इस कंपोजिशन पे दोनों के दोनों जो ए हैं और जो बी हैं वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं सॉलिडिफाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चों सॉलिडिफाई। देखो यहाँ ए लिक्विड होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है बच्चों डिक्रीज होता जा रहा है वो सॉलिडिफिकेशन होती जा रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये ओ एक ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों ने एक ही कंसंट्रेशन पे एक ही टेम्परेचर पे दोनों क्या हो रहे हैं सॉलिडिफाई हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं यू टेक्टिक पॉइंट, क्या बोलते हैं यू टेक्टिक पॉइंट। और इस ओ पॉइंट पे कौन है, पहली बात तो ये देखिए इस ओ पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, सॉलिड ए मिलेगा सॉलिड बी मिलेगा और साथ में आपको लिक्विड भी मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉलिड ए भी मिलेगा सॉलिड बी भी मिलेगा और साथ में लिक्विड ए भी, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, बात समझ में आ गई है। तो आपको ज़्यादातर पूछा जाता है कि यू टेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं और यू टेक्टिक पॉइंट क्या होता है, या पूछेंगे भाई ओ बी कर्व पे बताइए कौन इक्विलिब्रियम में है, या फिर पूछेंगे आपसे कि बी ओ डी इस एरिया, ये जो एरिया है इसके अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है कौन कौन से फेजेस हैं, क्या इसमें चीज़ है। और फिर आपसे पूछा जाता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के बताइए, क्या बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं बच्चों ए ओ कर्व पे, किस पे निकाल रहे हैं ए ओ, ए ओ कौन सी है, ये ए है और ये ओ है। इस पे देखिए ए ओ कर्व पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड भी है, लिक्विड ए बी भी है और साथ में सॉलिड भी है, ठीक है मतलब दो फेजेस। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू आप लिखेंगे C माइनस P प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड फेज रूल लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं बच्चों, दो कंपोनेंट सिस्टम है, फेज कितने हैं यहाँ पे, दो फेज हैं और प्लस में 1, तो ये कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। और मैंने पहले भी आपको याद कराया था हमेशा कर्व पे बच्चों जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है 1 होती है। अगर बच्चों आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें किस एरिया में, इसमें सी ओ डी, ठीक है ये जो एरिया नीचे है इसमें अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे, लिखिए पहले तो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस में 1। कंपोनेंट कितने हैं, दो ही रहेंगे। फेज कितने हैं बच्चों, जितने भी सॉलिड होते हैं उतने ही फेज होते हैं, तो दो सॉलिड हैं, सॉलिड ए भी है सॉलिड बी भी है, तो फेज कितने हो गए 2 प्लस में 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 कितने आ गए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए अब ओ पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, तो आप निकालिए ओ पॉइंट पे एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस में 1 करना है। कंपोनेंट कितने हैं बच्चों, दो कंपोनेंट हैं। अब फेज देखिए, इस पॉइंट पे सॉलिड ए भी है सॉलिड बी भी है और लिक्विड भी है। देखो हर सॉलिड के लिए एक कंपोनेंट एक फेज माना जाता है, तो आपके पास दो सॉलिड हुए मतलब दो तो सॉलिड के लिए हो गया और एक हो गया लिक्विड के लिए, मतलब टोटल कितने फेज हो गए हैं बच्चों, टोटल फेज हो गए हैं 3 और प्लस में आप क्या कर देंगे यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 3 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 0। तो ओ पॉइंट पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है बच्चों 0, बात समझ में आ गई आप सबको। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किसमें, तब आपसे जब फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम पूछा जाता है, ठीक है।